कुशीनगर पूर्व में रियासत रहे ग्राम सभा को वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा विकसित कर नई कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। कुशीनगर जनपद के तमकोही राज क्षेत्र के विकास खंड दुदही के अंतर्गत ग्राम पंचायत गौरी श्रीराम आजकल विकास के पत्र पर अग्रसर दिखाई दे रहा है। ग्राम पंचायत गौरी श्रीराम के ग्राम प्रधान संजिदा खां के प्रतिनिधि अमजद खां सरकारी योजना को धरातल पर लाने के लिए प्रयासरत हैं, जिसके फलस्वरूप ग्राम पंचायत गौरी श्रीराम विकास के क्षेत्रों में अग्रणी दिखाई दे रहा है। बताते चले कि ग्राम पंचायत गौरी श्रीराम में रैन बसेरा खड़ंजा आवास आंगनबाड़ी शौचालय सोखता पशु सेड़ नाली तो वही सामुदायिक शौचालय कार्य के पथ पर अग्रसर हैं। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे ग्राम पंचायत में जो भी कार्य उपलब्ध हुए उसको सरकारी गाइडलाइन के अनुसार करा चुका हूं। आगे उन्होंने बताया कि अगर ग्राम पंचायत की सम्मानित जनता हमें पुनः अपना आशीर्वाद देती है तो पूरे मनोयोग से ग्राम पंचायत के विकास पर खरा उतरने के लिए प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमजद खान है। किस ग्राम सभा के? ग्राम पंचायत गौरी श्रीराम। प्रधान कौन है आपके यहाँ? संजीदा खान हमारी पत्नी है, मैं प्रतिनिधि के रूप में काम करता हूँ। आपके जो 5 साल का जो प्रधानी का जो कार्यकाल था अब समाप्त होने जा रहा है, इस 5 साल के दौरान में आपके गांव का विकास का स्थिति क्या रही? बढ़िया रहा, लोग संतुष्ट हैं, कोई कंप्लेन नहीं होता है। जैसे हम लोग जो भी डिमांड होता है कि जैसे आंगनबाड़ी भवन बनना है वो भी बना है, इंटरलॉकिंग भी हुआ है, नाली भी बना है, भूमिगत नाली बना है, शौचालय घर घर बना है, आवास का स्थिति बढ़िया है। गांधी जी ग्राम सभा के प्रधान हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण जगह है, स्टेट घरानों से ताल्लुक रखता है। आपने उन ग्राम सभा में एक रैन बसेरा भी बनाए हुए हैं, रैन बसेरा उसके बारे में कुछ कहेंगे? रैन बसेरा सरकार का प्रोजेक्ट था, यहाँ बना, इसमें लोग रहते हैं, उसका रहना पीना खाने पीने का व्यवस्था आपके द्वारा होता है? अभी तो सरकार के द्वारा नहीं, अभी तो करते हैं लोग स्वास्थ्य विभाग के टीम। केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना इसमें चल रही है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में सामुदायिक शौचालय बनाना है। आपके गाँव की स्थिति क्या है? आपके सामने दिख रहा है सामुदायिक शौचालय बना है। अगर फिर आपको ग्राम सभा के लोग अगर दोबारा आपको मौका देते हैं तो उनके लिए आप क्या करेंगे? जो भी सरकार का गाइडलाइन के हिसाब से जो भी पैसा आएगा उसका प्रयोग किया जाएगा, सदुपयोग किया जाएगा। आपके यहाँ युवा वर्ग के लोगों के लिए आपने क्या किया है? जो भी जैसा सोचा है उसका उससे लाभ मिला है, बच्चों के खेल भी दिया है, क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल। अपने गांव के कुछ लोगों के बारे में बताएंगे? जैसे लोग बढ़िया आदमी है, जैसे ये व्यास जी हैं, जैसे क्या नाम है सर आपका? जी हमारा नाम रविंद्र खरवार है। आपके ग्राम सभा के जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि मैं अपने ग्राम सभा में बहुत अच्छे से काम कराया हूँ, इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल काम कराए हैं, लोग चाहे नौजवान हो बूढ़ा हो चाहे महिला हो सबको साथ लेकर चले हैं, सबको साथ लेकर चले हैं। सरकार के जिस तरह का प्रधान जी का जो काम हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, सबका साथ सबका विकास हुआ है। तो क्या आप लोग दोबारा उनको फिर एक बार मौका देना चाहेंगे? जी जी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है उनके सिवा। के निवासी हैं ग्राम सभा गौरी श्रीराम से। आपके यहाँ के प्रधान जी का नाम क्या है? संजीदा खान है, प्रतिनिधि अमजद खान है। प्रधान जी के द्वारा ग्राम सभा में विकास कार्य किया गया है? बिल्कुल विकास हुआ है। उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। फिर पुनः चुनाव में प्रधान जी मैदान में आने वाले हैं, क्या उनको उनके बारे में आप सोचे हैं? जी हम लोग तन मन धन से रहते हैं और इनके सिवा जैसे कोई अभी दूसरा विकल्प हम लोग। क्या नाम है? हमारा नाम लाल बाबू है। चंदन भारती नाम है। कौन सा ग्राम सभा है आपका? ग्राम गौरी से राम रामनगर टोला। आपके यहाँ प्रधान जी का नाम क्या है? संजीदा खातिम खां। प्रधान जी द्वारा ग्राम सभा में काम किया गया है? हाँ, बहुत काम हुआ है। कौन सा काम ज्यादा किया गया? आवास के काम और शौचालय का काम बहुत हुआ है। उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं हम। पुनः चुनाव किसको देंगे? वो तो किसको देंगे चुनाव में? अगर दीवार आए सीट तो भैया हम संजीदा खां को वोट देंगे। हम अमजद खां को? जी अमजद भैया को। कोई आने वाला आप देखिए, इनसे बढ़िया कोई नहीं है। इंडियन प्राइम न्यूज़ से ब्यूरो रिपोर्ट।